सर हमारे लिए घंटे मायने नहीं रखता सर, मेरा जब भी मन करता था तो पढ़ाई करते थे। अगर आप आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो हार्डवर्क कीजिए, उसी से आपको जरूर सफलता मिलेगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। बीएससीबी की इंटर की परीक्षा का रिजल्ट लाइव हो चुका है और टॉपर्स के बारे में भी बोर्ड की तरफ से जानकारी दे दी गई है। एक एक करके हर जिले से अब टॉपर की जो बातें हैं, टॉपर्स क्या कह रहे हैं, क्या खुशी जाहिर कर रहे हैं, वो निकल कर सामने आ रही है। और हम लाइव सिटीज पर आपको साइंस स्ट्रीम के सेकंड टॉपर शुभम चौरसिया, जो कि औरंगाबाद के दाऊदनगर के रहने वाले हैं, उनके बारे में दिखाने वाले हैं कि आखिरकार क्या कह रहे हैं रिजल्ट आने के बाद, कितने खुश है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि शुभम चौरसिया, जो कि बिहार की इंटरमीडिएट की परीक्षा में साइंस स्ट्रीम में दूसरे स्थान पर आए हैं, वो मैट्रिक में भी टॉपर्स की लिस्ट में ही शामिल थे। यानी कि मैट्रिक की परीक्षा में भी टॉप 10 में उनका नाम शामिल था, 8वीं रैंक उसमें भी लेकर आए थे। सबसे पहले अब आप सुनिए कि शुभम चौरसिया क्या कह रहे हैं अपने रिजल्ट को लेकर। जी सर, बहुत खुश है, बहुत अच्छा लग रहा है कि पिछला बार 8th रैंक था, इस बार सेकंड टॉपर आया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप कितने घंटे के पढ़ाई में सफलता हासिल किए हैं? सर हमारे लिए घंटे मायने नहीं रखता है सर, मेरा जब भी मन करता था तो पढ़ाई करते थे, और कुछ ज़्यादा घर के द्वारा काम भी नहीं दिया जाता है, तो सिर्फ पढ़ाई करने के अलावा और हमारे पास कोई काम भी नहीं था, तो सिर्फ जब भी मन करता था तो पढ़ाई करते थे। आप मैट्रिक के एग्ज़ाम में भी स्थान लाए थे? जी सर, मैट्रिक में मेरा 8वां स्थान था, 477 नंबर। अपने जूनियर को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अपने जूनियर को यही बताना चाहेंगे सर कि अगर आप आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो हार्डवर्क कीजिए, उसी से आपको जरूर सफलता मिलेगा। मम्मी पापा को क्या कहना चाहते हैं? मम्मी पापा भी पिछला बार की तरह इस बार भी बहुत काफ़ी खुश लग रहे हैं, अच्छा लग रहा है। शुभम चौरसिया की बातें सुनी कि किस तरीके से अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं कि उनकी जो कड़ी मेहनत थी, उनका जो परिश्रम था, वो सफल हो गया। साथ ही साथ घर वालों ने कितना उन्हें प्रोत्साहन दिया, कितना उन्हें सपोर्ट किया है, इसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। सबसे अच्छी बात उन्होंने ये कही कि पढ़ाई के दौरान कभी घंटे नहीं देखे, यानी कि घड़ी देखकर पढ़ाई नहीं कर रहे थे कि दिन के 8 घंटे पूरे करने हैं, दिन के 10 घंटे पूरे करने हैं, बस पूरी लगन से पढ़ाई कर रहे थे। और साथ ही साथ अब उन्हें अपनी लगन का फल भी मिल चुका है, क्योंकि बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा में साइंस स्ट्रीम में अपने लिए दूसरी रैंक लाने में वो सफल हो चुके हैं। अगर उनके मार्क्स की बात करें तो टोटल स्कोर उनका हुआ है 472 मार्क्स का, परसेंटेज मिला है उन्हें 94.4%, जिसके साथ वो बिहार में टॉपर्स की लिस्ट में आ चुके हैं। बिहार के साइंस स्ट्रीम में इंटरमीडिएट परीक्षा के बाद सेकेंड रैंक अपने लिए उन्होंने सिक्योर कर ली है। और बिहार बोर्ड कब बाकी, अब जो भी टॉपर्स आते हैं सामने, उनके बारे में हम लाइव सिटीज पर आपको दिखाते रहेंगे। तमाम खबरों के लिए आप चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।